नमस्कार दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा जो है उसका सेकंड पेपर आपके सामने है। दूसरा और तीसरा पेपर इस वीडियो में है और पहला पेपर का एक अलग वीडियो मैंने लगाया था, उसको आप देखना हो तो आई बटन से देख सकते हैं। और अगले वीडियो में जो है बाकी चौथा पेपर है वो भी लगाने का प्रयास करूँगा। आपको ध्यान में रहें, पेपर दिया नहीं जाता है, लिखित होता है तो वहाँ रख लिया जाता है, जो नए अभ्यर्थी उनको पता नहीं होगा। और ये स्मृति पर आधारित है, जितना याद रहा जो अभ्यर्थियों से पूछा गया, जो एग्ज़ाम देकर आए, और उसके अलावा जो ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं, और लगभग जो है इनके जो अंक है वो लगभग इसी तरह के थे। थोड़ा बहुत कोई जो है ऊपर नीचे हो सकता है हल्का फुल्का। तो देखो, राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से थे, राजस्थान में नदी प्रणाली पर विस्तार से चर्चा कीजिए, निबंध लिखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था, शेखावाटी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं को इंगित करो। आगे ये अंक दिए हुए 5-5। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के क्षेत्र को बताइए, 5 नंबर का। जो अभ्यर्थी आगे तैयारी करना चाहते हैं उनको मालूम हो कि जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसकी सीमा होती है 100 शब्द। आगे सुने लगा लेना, 5 नंबर वाला 50 शब्द, 2 नंबर वाला 20 शब्द, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो दूसरा पेपर है उसमें राजस्थान जीके है, उसके अलावा और इस वीडियो में जैसे इस पेपर में राजस्थान जीके के अलावा जैसे भूगोल, नीतिशास्त्र वगैरह जो है, ये चीज़ें, विज्ञान, ये चीज़ें आएगी। तो हम बात करते हैं आगे क्वेश्चनों को। राजस्थान में मक्का उत्पादन क्षेत्र बताइए, और सीमेंट वाला उद्योग क्षेत्र, मक्का उत्पादन क्षेत्र, राजस्थान के 8 संरक्षित क्षेत्रों के नाम बताइए, सोनाड़ी पशुधन पर टिप्पणी, मालवी पशुधन क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ पाया जाता है उस पर टिप्पणी, राजस्थान में सौर ऊर्जा की कितनी संभावनाएँ हैं, तो उसके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन था। राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो पहल किए गए हैं, सरकारी प्रयास किए गए हैं, उनके ऊपर वर्णन करना था, 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। जल संरक्षण में राजस्थान की जो पहल है उसका था एक क्वेश्चन। और भूगोल के क्वेश्चनों की बात करें तो भारत में वर्षा प्रणाली पर पर्वतीय प्रभाव का विवेचन कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन था। पेलियोजोइक युग जो है उसके ऊपर बताना था, 10 नंबर का बड़ा प्रश्न था। दरारी ज्वालामुखी क्या है, 5 अंक का क्वेश्चन। भारत में 1901 से 2011 तक की जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ, 5 नंबर का। छोटा नागपुर पठार का क्या महत्व है, 5 अंक का। कोई 5 पर्वत निर्माणकारी घटनाएं, तो ये भूगोल के क्वेश्चन थे। आरपीएससी भी क्वेश्चन जो है पेपर अपलोड करती है, मगर वो काफ़ी समय बाद अपलोड करेगी। तो जो अभ्यर्थी अपना मिलान करना चाहते हैं, तैयारी कैसी हुई आपकी, एग्जाम कैसा हुआ, या जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके ये काम के हैं क्वेश्चन। नीति शास्त्र जो है उसका था, रित क्या है, इतिहास का भी है वैसे तो ये रित, और इसका वर्तमान में क्या उपयोग है, अतिवाद, इसके ऊपर टिप्पणी, सांवेगिक बुद्धि, ये शिक्षा मनोविज्ञान में आता है, और गांधी जी ने अहिंसा को सर्वोपरि क्यों माना है, इसका कोई कारण, गीता में द्वंद्व को हल करने की विधि क्या है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। आप नोट करना चाहते तो वीडियो रोक के कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये विज्ञान के क्वेश्चन थे, इसमें जो है हीमोग्लोबिन के क्या कार्य है, बहुलक क्या है, कोई 2 जैव बहुलक के उदाहरण, खाद्य परिरक्षण क्या है, ये जो भंडार वगैरह था, डिब्बा बंद वगैरह सामग्री, प्रमुख खाद्य परिरक्षणों को समझाइए, इसका तरंग और स्पेस तरंग में अंतर, पीएच स्केल क्या है, इसकी खोज किसने की, दांतों की बीमारी में पीएच स्केल का संबंध, उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, प्रमुख 5 संक्रामक बीमारियां, दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से इसके दही बनने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझाइए, एनालॉग डिजिटल संकेतों में अंतर बताइए, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए, माइक्रोवेव तरंगे क्या है, इनका आरेख बनाइए, माइक्रोवेव ओवन किस प्रणाली पर कार्य करता है। तो ये था अपने जो है सेकंड पेपर मित्रों। अब जो है लगे हाथ तीसरा पेपर भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, फिर एक कमाइंड वीडियो और बना दूंगा मैं आपके। आरएस मुख्य परीक्षा 3rd पेपर जो है ये शब्द सीमा दर लिखी हुई है, 200 अंक का था, 200 अंक का एक पेपर होता है और 4 पेपर कुल होते हैं 800 अंक के। इसमें खेल, योग, विधि, समसामयिकी, राजनीति, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न थे। काफ़ी मेहनत और मशक्कत से जो है ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और इनको डिवाइडेशन भी करने का प्रयास किया है मैंने। हाल ही में सुर्खियों में रही अन्ना राजन मल्होत्रा कौन है, ऑपरेशन एंड्रयू क्या है, अपूर्वी चंदेला की उपलब्धियां, मानव ठक्कर की उपलब्धियां, वशिष्ठ अवार्ड पर टिप्पणी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में पद सोपान यानी बड़ा पद फिर छोटा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में भारत का रुख क्या रहा है, 10 नंबर का बड़ा प्रश्न था, राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं, लोकायुक्त का क्षेत्र क्या है, यानी जैसे इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है उस तरह से बताना था, सीवीसी जो है
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उसका जो है क्या है उसके क्षेत्र, लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 इसके ऊपर पूरा फुल डिटेल से बताना था, 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, और अनुच्छेद 355 जो है उसका क्वेश्चन इस तरह से था कि 352 और 356 के बीच की कड़ी है, तो इस पर टिप्पणी करनी थी। उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रता का संबंध जो है वो बताना था, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति जो है उस पर बताना था, इसमें विस्तार से 10 नंबर का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन, परमादेश रिट और प्रतिषेध रिट क्या है, जीरो आवर शून्यकाल क्या है, ये संसद में आता है ना, जो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और जो ब्रेक्जिट है इनको लेकर इस घटना से जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ईयू के साथ रिश्तों में और ब्रिटेन के साथ रिश्तों में, ऐसा प्रश्न था 10 नंबर का। राजस्थान में जो क्षेत्रीय दल है राज्य दल है इनकी परिघटना पर चर्चा करनी थी, यानी क्षेत्रीय दल राजस्थान में अभी कोई ऐसा नहीं है बड़ा, तो होना चाहिए क्या किस प्रकार से, तो क्वेश्चन यहाँ जो है वो पॉइंट पॉइंट जो जितने यादाश्त पे जो मिले उस हिसाब से, बाकी वहाँ इतने शॉर्ट नहीं है, थोड़ा और उसमें जैसे डिटेल आ जाती है। योग से संबंधित में है योग कर्मसु कौशलम, व्यक्तित्व का भावमूलक दृष्टिकोण, मानसिक शांति व स्वास्थ्य उन्नति के उपाय, तो इसमें योग को ही बताना था मुख्य, योग व्यायाम, लोक प्रशासन व अन्य साइको आदि है इसमें, कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हो गए तो आप वो ज़्यादा विचार नहीं करें, सांवेगिक बुद्धि ये प्रश्न रिपीट हो गया दोनों पेपरों में, TAT जो शिक्षा मनोविज्ञान में आता है मुर्रे मार्गन शायद उसी का है ये, गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, सामंड का अधिकार, अनुच्छेद 21 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन, और उसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो कमियाँ है उसके ऊपर, प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के उपाय जो किए गए हैं सरकार के द्वारा उनको बताना था, 10 नंबर का बड़ा प्रश्न था, लोक प्रशासन के सामाजिक दायित्व बताने थे, प्रशासन की नवशास्त्रीय विचारधारा, न्यायपालिका की सक्रियता बनाम संसद, हेनरी फेयोल के प्रबंध सिद्धांत, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और चीन के जो संबंध है उस पर USA का क्या रुख है, सूचना का अधिकार 2005 का क्षेत्र क्या है, 5 नंबर का था, सूचना के अधिकार में तीसरा पक्ष किसे कहते हैं, ये था, विधि और अन्य जो प्रश्न है उसमें भू राजस्व अधिनियम 1956 के बारे में बताना था, काश्तकार जो कानून है उसके अनुसार कृषक की परिभाषा जो है वो देनी थी, और हिंसा जो घरेलू हिंसा कानून है उसमें आवेदनकर्ता जो है वो किस प्रकार से आवेदन कर सकता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था ये, और संविधान के प्रस्तावनाओं में जो न्याय की जो अवधारणा है उद्देशिका में जो न्याय शब्द दिया गया है उसकी जो है व्याख्या करनी थी, तो ये तो हो गई। अब अगर आपने मान लीजिए पहला जो वीडियो नहीं देखा है अगर आपने, तो आप यहीं पे जो है पहला पेपर है वो भी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ उसके क्वेश्चन भी आपको, ताकि आपको वो वीडियो नहीं देखना पड़े। डोंगजी जमार जी, विश्व बल्लभ, अर्जुन की तपस्या, पूर्वी राजस्थान नहर, व्यवसाय सुगमता, आधारभूत ढांचा, आई स्टार्ट, यंग स्टर्न, भारतमाला, राजकोषीय समेकन, ऋणात्मक ब्याज दर, इस प्रकार के आप इनका स्क्रीन शॉट ले लो, ये संस्कृतिकरण वगैरह ये था, इसको आप देख सकते हैं, सामाजिक विचारधारा, निर्देशन की एकता, जातीय में विवाह वगैरह, बागोर आहड़ राजस्थान का था, और उसके अलावा जैसे ये बड़े प्रश्न थे थोड़े, विश्व युद्ध, क्रांतिकारी आंदोलन, और ये जो मौलीला की प्रक्रिया, हड़पा वगैरह, ये जो है इसके बारे में। अब मित्रों एक चौथा जो पेपर है हिंदी का, उसके भी जो है कुछ क्वेश्चन आए हैं अभी, संधि समास वगैरह, तो उसका मैं प्रयास करूँगा हल सहित, ताकि आपके कंपिटिशन एग्जाम में भी काम आ सके, और जो है इस तरह से RS के जो चारों पेपर हैं उनका वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे इसको तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और जो अगर RS की आप तैयारी करना चाहते हैं आगे, तो मुख्य परीक्षा जो है इन क्वेश्चन से आपको मदद मिलेगी कि किस प्रकार का पेपर जो है इस बार आया है, और अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो भी आप अपना मूल्यांकन अपने दोस्तों के साथ में, या जहाँ से आपने तैयारी की, कोचिंग सेंटर या जो आपका कोई ग्रुप रहा उनके साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं, और अगर इनके सही उत्तर आपको कुछ के मिलते हैं या आप इनका एक मानक उत्तर का तैयार करना चाहें PDF, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उनको मैं YouTube पे लगा दूंगा उत्तर सहित, ताकि और अधिकतम जो लोग हैं इसका लाभ ले सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना, साथ ही अगर जो है आप लोग GK की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए मेरे, वहाँ करंट GK के बहुत सारे वीडियो हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं, सामान्य विज्ञान है, उसके अलावा इतिहास है, भूगोल है,
हर प्रकार का जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और आप उनको देखिए। तो आपके तैयारी में जो है ये वीडियो और ये चैनल आपके मददगार है। धन्यवाद।